Assalamualaikum, my YouTube family. It's me, Asia Waha. Welcome back. Hope so you guys are doing well. आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी डिफरेंट सी रेसिपी जो कि है जिंगर शवारमा। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बस इसके टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना ही मैटर रखता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को जिंगर शवारमा बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। जिंगर शवारमा बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे शवारमा ब्रेड, शवारमा सॉस, शवारमा वेजिटेबल्स एंड शवारमा चिकन। यहाँ पर मैं चिकन की मैरिनेशन वही करूंगी जो मैंने जिंगर बर्गर में मैरिनेशन की थी, और उसके लिए मैं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी और मैरिनेशन हम लोग वहाँ से देखेंगे। मैरिनेशन जो है हम लोगों ने वहाँ पर थाई बोनलेस की थी क्योंकि वहाँ पे बर्गर बन रहे थे, बर्गर के लिए थाई बोनलेस यूज़ की जाती है। यहाँ पर मैं शवारमा बना रही हूँ तो शवारमा के लिए मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है। ब्रेस्ट पीस मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अगर यहाँ पर शवारमा है, यहाँ पर शवारमा की सॉस की वजह से जो है क्रम हमारा सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम ब्रेस्ट पीस यूज़ करेंगे तो हमारा क्रम सॉफ्ट नहीं होगा। बर्गर में क्रम जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, टेस्ट डिफरेंट होता है, शवारमे के लिए ब्रेस्ट पीस ही यूज़ होता है। और मैरिनेशन मैंने सेम KFC स्टाइल सिंगर बर्गर वाली ही की है। आप लोग मैरिनेशन करते वक्त वो वीडियो को ओपन करें और वहीं से सेम मैरिनेशन कॉपी पेस्ट कर लें। जिंगर शवारमा बनाने के लिए जो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप है वो है सैलड को क्रंच करना, सैलड को बनाना, सैलड को मैरिनेशन करके रखना। उसके लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 big size अनियन, 1 big size क्यूकम्बर, 1 big size कैरेट, 1 big size कैप्सिकम। यहाँ पे मैंने इन सब वेजिटेबल्स को स्लाइस करके रख लिया है। उसके बाद हम लोगों को जो चाहिए वो है 1 teaspoon शुगर, 1 tablespoon सॉल्ट, 1/2 liter chilled water एंड 1/2 cup ऑफ विनेगर। मैरिनेशन के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे एक बड़े साइज का खुला सा बाउल। उसके बाद मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने ऐड किया है कैप्सिकम को, उसके बाद कैरेट, क्यूकम्बर्स, ऑनियन। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 liter वाटर, और ये वाटर यहाँ पे हमने चिल्ड लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट एंड देन शुगर। उसके बाद मैं तकरीबन 1/2 cup सफेद सिरका ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग इसको स्पून से मिक्स कर देंगे। ये अब हम लोगों का अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं आप सबको एक टिप देना चाहूंगी, यहाँ पर मैंने चिल वाटर इसलिए यूज किया है कि चिल वाटर यूज करने से इसका जो कलर है वेजिटेबल का वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता, एक फ्रेश लुक रहती है। और अगर हम इसको ठंडे पानी में बनाएंगे तो हमारी जो वेजिटेबल है वो बहुत क्रंची क्रंची रहेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आप लोग इस रेसिपी को क्विकली बनाना चाहते हैं तो हम लोग इसको इसी तरह फॉलो करेंगे, लेकिन चिल वाटर की जगह हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लेंगे और उसको 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। लेकिन माइक्रोवेव करने के ये नुकसान है जो हमारी वेजिटेबल होती है ना उसका जो थोड़ा क्रंच होता है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है शवारमा की सॉस बनाना। उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे मायोनीज, मिक्स हर्ब्स, कुटे हुए तिल 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ऑरिगैनो 1/2 teaspoon, सॉल्ट 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर 1/4 teaspoon एंड मिल्क। ब्लैक पेपर हम लोग थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि फ्लेवर इसका ज़्यादा ना हो जाए। अगर इसका फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है तो फिर गले को पड़ता है। अगर हम लोग सॉल्टी म्यूनिस लेंगे तो हम सॉल्ट 1/4 teaspoon डालेंगे, अगर हम रेगुलर म्यूनिस लेंगे तो 1/2 teaspoon सॉल्ट डालेंगे। और यहाँ पर दूध मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज कर सकें। चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसकी सॉस। मैंने 16 खाने के चम्मच मायनीज डाली, उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर, तिल, लहसुन और ओरिगानो डाला है। अब मैं इसमें थाइम लीव्स डाल रही हूँ
और उसके बाद हसबे जरूरत दूध डालकर इसको पतला करती हूँ। इसको फ्लफ करेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स कि फ्लफी हो जाए और ये थोड़ी सी पतली भी हो जाए। मिक्स कर लिया है और हमारी सॉस अब रेडी है। अब मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि देखिए हमारी सॉस कितनी फ्लफी बनी है। इसमें मैं एक बात बता दूं कि गार्लिक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और गार्लिक की वजह से ही हम लोगों की सॉस एक प्रोफेशनल तरह की बन जाती है। इंशाल्लाह आप लोग इस सॉस को बनाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है। कार्ड भी एंटर कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी जो डिफिकल्टी है वो ना आए। हम लोगों की दूसरी साइड भी बिल्कुल रेडी है। एक तरफ हम लोगों के जिंगर फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोगों का शवारमा ब्रेड जो है वो कुक हो रही है। सबसे पहले मैंने बटर पेपर प्लेस किया है, उसके बाद शवारमा डो, और अब मैं इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर रही हूँ। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर सैलड पेस्ट करने का। सबसे पहले मैंने रखी कैप्सिकम, क्यूकम्बर, अगेन क्यूकम्बर, कैरेट, एंड देन मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगी अनियन। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर जिंगर प्लेस करने का। जिंगर प्लेस करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और सॉस ऐड करूँगी क्योंकि हमारे घर में सॉस ही बहुत पसंद किया जाता है शवारमा, तो हम लोगों ने और सॉस ऐड की है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको रैप करने का। अब मैं इसको रैप करूँगी। रैप करने के लिए मैंने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पर मैं पैकिंग टाइट करूँगी क्योंकि अगर हम लोग टाइट पैकिंग रखते हैं तो हम लोगों की सॉस लीक नहीं होती। रोल 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 एंड रोल। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको ट्विस्ट कर देंगे। अब हम लोग के शवारमा भी पैक हो चुका है, शवारमा बन चुका है। अब मैं इसको सेंटर से कट करके आप लोगों को फाइनल लुक शो करवाती हूँ। ये जी, ये है हमारी शवारमा की फाइनल लुक। देखिए कितना यम्मी, कितना सॉसी और वेजी लग रहा है। Now, take your copy pencil and note down the recipe. वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लाजमी रिव्यूज दे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करना इसलिए कंपलसरी है कि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो स्किप ना हो। जल्द ही मिलूंगी मैं आप लोगों को एक अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग फ्लेवर, सॉस जबरदस्त, जिंगर का क्रिस्पीपन बहुत कमाल का, बाजार जैसा बना के उससे भी अच्छा, बाजार से बहुत 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 ज्यादा अच्छा बना। मैं तो खा रहा हूँ, आप भी एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।